चुप हो जाओ। हमारे इस क्षेत्र से एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी, लोकेश जी पूर्व विधायक, सभी सम्मानित उपस्थित बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं उपस्थित अपने बुजुर्गों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। मित्रों, आप लोगों ने मुझको आमंत्रित किया, मैं इसका हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मैंने जोश, खरोश और उत्साह यहाँ के समाज में देखा, मैं निश्चित कह रहा हूँ कि भगवान परशुराम जी की कृपा है कि हम सब लोग एकजुट होकर इतनी बड़ी संख्या में एक आयोजन के लिए निकले हैं। भगवान परशुराम जी ब्राह्मण समाज के इष्ट हैं, कल चलेंगे भैया, मैं वैसे तो अवतार है, वो पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में दिया था ईश्वर ने। यहाँ पर जो जलचर था, पूर्ण अवतार कौन है ये बताना चाहता हूँ उस माध्यम से आपको। पहला अवतार और बड़ा अवतार के रूप में ईश्वर ने जन्म लिया है, यानी जो छलचल था लेकिन जल में भी जाके उसके बाद नरसिंह अवतार हुए। भगवान ने नरसिंह यानी आधा नर और आधा पुरुष, विकासवाद की ओर अवतारवाद भी चलता रहा। उसके बाद वामन अवतार के रूप में ईश्वर ने जन्म लिया धरती पर। वो बामन हिंदू का व्यक्ति पूर्ण नहीं था वो, लेकिन महर्षि परशुराम भगवान परशुराम पहले अवतार थे जो पूर्ण आगे बढ़े। एक आदमी जब सदा संगठित होता है तो